कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 5 संतत एवं अवकलनीयता प्रश्नावली 8। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक सतत फलन है। इसको हल करने के लिए हम मान लेंगे, माना कि क्या जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जी ऑफ एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लिया तथा एच ऑफ एक्स, तथा क्या एच ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बराबरी से कितना मोड ऑफ एक्स किसके बराबरी से एच ऑफ एक्स को हमने मान लिया किसके बराबरी से मोड ऑफ एक्स के। ऐसी कंडीशन क्योंकि प्रत्येक क्योंकि या क्योंकि प्रत्येक x शामिल r मतलब वास्तविक संख्या x शामिल r के लिए क्या मापांक फलन, इसके लिए कौन सा मापांक फलन h ऑफ x बराबरी से मोड ऑफ x, बराबरी से मोड ऑफ x एक कैसा फलन होता है सतत फलन। इसके लिए ये कैसा फलन होता है सतत फलन है। आगे देखिए, इसी प्रकार यदि हम देखें, इसी प्रकार हमारे पास है क्या साइन एक्स तथा कॉस एक्स, एक है साइन एक्स तथा दूसरा क्या है कॉस एक्स। साइन एक्स तथा कॉस एक्स भी यदि हम देखें तो हमारे पास एक है साइन एक्स तथा कॉस एक्स भी साइन एक्स है और दूसरा कॉस एक्स है। ये भी काहे के लिए प्रत्येक एक्स शामिल आर के लिए कैसे फलन होंगे सतत फलन होंगे। इसके लिए कैसे सतत फलन है, इसके लिए कैसे फलन है सतत फलन, ये कैसे फलन है सतत फलन है। इसलिए क्या इनका योग भी कैसा सतत फलन होगा। अतः अब इनका हम संयोजक फलन बनाए, अतः इनका कौन सा संयोजक फलन, इनका जो संयोजक फलन होगा उसको हम लिखेंगे एच ओ जी ऑफ एक्स बराबरी से एच ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास पता है हमको क्या है, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एच ऑफ एक्स मोड एक्स होता है, इसलिए एच ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स ये किसे बदल जाएगा मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा। और इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स भी कैसा सतत फलन होगा, ये भी कैसा सतत फलन होगा। तो कह सकते हैं अतः प्रत्येक एक्स शामिल आर के लिए एफ ऑफ एक्स बराबरी से मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा फलन है सतत फलन है। ये कैसा फलन होगा सतत फलन है, यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद।